नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आज हम आ चुके हैं होशियारपुर बस स्टैंड और हम यहां पर लोगों से कुछ मजेदार सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि उन्हें इसका जवाब पता है कि नहीं। मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका। हम ना आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका आंसर आता होगा, तो जवाब दीजिएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने के बाद जम जाती है? कुल्फी। गर्म करने के बाद जम जाती है वो? नहीं पता। नहीं। अच्छा, दूसरा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो हम बाजार से ग्रीन कलर की लेकर आते हैं पर यूज करने के बाद वो रेड कलर की हो जाती है? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी चीज है जिसके चार पैर होते हैं पर वो चलती नहीं है? टेबल। हाँ, टेबल, सही। थैंक यू मैम। मैम, आपका नाम क्या है? काजल। अच्छा, तो काजल, आपसे ना हम सिंपल क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने? आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने? नो आइडिया। बच्चा। बच्चा इंसान कैसे बना सकता है? मतलब बच्चा नहीं है इसका आंसर। आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने बनाया? नहीं, नहीं, दांत नहीं। टांगा। टांगा, हाँ, राइट। और एक और क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है, जिसे हम जितना गर्म करते हैं वो उतना जमती जाती है? रिपीट करूं? जो दोबारा पिघलती नहीं है। नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है और वो पिघलती नहीं है दोबारा? आइस तो नहीं होगी? नहीं, आइस कहाँ से गर्म करेगी? वो नहीं होएगी। ग्ले। नहीं, नहीं पता। कड़ी चीज़ अभी बताओ। नहीं पता। नहीं। अंडा। अंडा, ठीक है। आपका नाम क्या है सर? अली। अली, ओके। तो अली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है अंडा। ओके, अच्छा। अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो उसके दांत का कलर क्या होगा? उसके दांत का कलर क्या होगा? वाइट ही होगा। पक्का? एक बार और सोच लो। जब बच्चा पैदा हुआ दांत ही नहीं होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास चार बकरी है, दो घोड़े हैं, एक मुर्गा है, तो आपके पास टोटल कितने पैर हुए? आपके पास टोटल कितने पैर हैं? हमारे पास तो दो ही पैर हैं। हाँ, थैंक यू। दोस्तों, आपका स्काइसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काइसी ऑयल।